नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी आजमी और आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। अपने माँ बापों की पूजा नहीं करी, जीतो जीतो तभी सब जब बात तक करी और जीते जीतो ने एक छटाक भूत का टोप्पा नहीं दिया और मरने के बाद हम उनकी तस्वीरें गड़वा रहे और नोटंकी कर रहे, लोगों को लोग दिखावा कर रहे। इससे बढ़िया जितना पैसा तुम उनके मरने के बाद खर्च कर रहे उसका आधा पैसा कम से कम जब खर्च करते तुम्हारा भी मान सम्मान बढ़ता, तुम्हारे माँ बाप शायद जीवित रहते। हमारे समाज में कुछ अकाल मृत्यु इसी वजह से होती है, अगर लड़का कुछ करना चाहे तो उनकी घरवाली नहीं करने देती। तो मैं अपनी बहनों से एक निवेदन कर रहा, तुम्हें भी देखो मेरी बहनों, मेरी बहनों तुम्हें भी अगले घर जाना, जैसे तुम्हारे माँ बाप है ना जिस घर में तुम जा रही, वे भी तुम्हारे खून से बड़ा एक रिश्ता होता है धर्म का, वे भी तुम्हारे धर्म के माँ बाप होते हैं। अगर तुम उनके माँ बापों का सम्मान करोगे, अपने सास ससुर का सम्मान करोगे, तो कल को तुम्हारे ही माँ बाप तुम्हारे माँ बापों का तुम्हारे भाग्य सम्मान करेगी। जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे ऐसा कटोगे। और साथियों मैं अंके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये स्कूल सरकारी है या आप लोगों ने बनाया है? जी कोचिंग है, बहुत बढ़िया भाई। मैं बड़ा वादा तो करता नहीं लेकिन एक छोटा सा ऐलान करके जा रहा हूं। आज 16 फरवरी को जो हमारा दतिया में प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम रहेगा फिर 18 फरवरी को एक स्कूल में, तो हम इस स्कूल में अपने संगठन की तरफ से थोड़ा बहुत कुछ हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। ठीक है जी, मैं जितने हमारे तमाम पदाधिकारी आ रहे हैं कर्नाटक 12 राज्यों से जो हमारे साथी आएंगे, मैं पूरी टीम के साथ एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आपको कष्ट जरूर दूंगा उस दिन कि आप लोगों को इसी तरीके से एक प्रोग्राम और कराना पड़ेगा। और हमारी तरफ से इस स्कूल में इन बच्चों के लिए जो भी होगा मुझे लिस्ट बनाकर दे दीजिएगा इन बच्चों की, वो तो मैं स्कूल से अलग करूंगा। इन बच्चों को जो हेल्प दूंगा, चाहे मैं जूते दू, चाहे पेन दू, चाहे कॉपी दू, चाहे संविधान की बुक दू, जितनी मेरी कैपेसिटी है, वो कटाई डबिल लगी औलाद नहीं हो जी, मैं भी मजदूर का बेटा हूं। पर आई यो है वादा करके जा रहा जी, बाबा साहब के साक्षी मानकर, अपने समाज को साक्षी मानकर, जितना मेरे से होगा इतनी मैं हेल्प करूंगा यार। और भाई मैं खाने को मना नहीं कर रहा, खाओ लेकिन पियो मत, ठीक पियो मत। अब किसी के घर में मुर्गा बढ़ जा, अनु चल साला को पोवो भी लिया, पी लेगा साज को कुटाई कर देगा घरवाली की, घरवाली तो पिटेगी पाड़ा नहीं किल। लेकिन मेरा निवेदन है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, बड़े बुजुर्गों को तो कह नहीं सकता, इन बिचारों ने तो देख ली जिंदगी, इनके जी से पूछ के देखो ये बेचारे मेहनत मजदूरी कर कर कैसे कैसे तुम्हें पढ़ा रहे, गलत कह रहा बाबू जी, बहुत मेहनत कर रहे हो ना आप लोग, कितना अपमान भी सहते हो गए, ऐसी बात नहीं। अगर आप मजदूरी पे जा रहे हैं किसी की, साला मजदूरी दो ना दो पर बिगाड़ पहले बताओ, अरे यू उठा दिए, यहाँ तो पता नहीं हमारे यूपी में यू ही हाल है। तो भाई मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, कोई भी हो भाई बुरा मत मानिए हो, मैं सभी एक से नहीं होते नौकरी में, पर ज्यादातर 90% ऐसी हो, अपना सरनेम तक चेंज कर ले। अगर उनकी ब्याह शादी में पार्टी में कोई हमारे समाज का बेचारा गरीब सा रिश्तेदार या चाचा ताऊ या भाई चला जा, तो ऐसा करे जैसे मनुवादी भी नहीं करते, ऐसा तो पंडित भी किनारा नहीं करता। अगर कोई पूछा लगा भाई कौन है, अरे मेरे गांव का नौकर है भाई, है नहीं है नूड़ी कह मेरा भाई है, क्योंकि कभी उसकी रेपुटेशन डाउन हो जा। अब मैं अपनी 2 मिनट और बात रख के अपनी बात को विराम कर रहा जी, शायद आप थक गए होंगे मेरी बात सुन के। भाई एक चीज बताओ, अगर कुछ बोल दूं बुरा तो नहीं मानना कोई यहां? ठीक है, एक चीज बताओ, ऐसा दुनिया में कौन सा फेमी खोलता, ऐसा दुनिया में कौन सा फेमी खोलता जिसने एक एक बच्चे के धड़ पे के कोंटल का हत्ती का बच्चे का सिर रजिस्टर कर दिया था, सोचो। अब भैया सीता मैया पार्वती मैया नारी थी और गणेश जी लठले खड़े थे बाहर, आए भोले शंकर, ऐसा कौन सा पाप है जिसे अपने बच्चे की पहचान, चलो बच्चों को तो मान मिले जी आप ही छाने का, लेकिन पता रहा है मेरा पूत है वो, उसे नहीं पता कि मेरा बेटा, चलो क्या कोई बात नहीं, वो भी देख के जा
फिर उसके बाद वो कहना कहां जा, कहने लगा तू कौन है, उसे नहीं पता मेरा बेटा, कहने लगा मैं सीता उसका थारा बेटा, और अंदर नहीं जावे, वो कहना जम्मा, वो कहना नहीं जावे, वो गुस्से में आकर उसकी नाड़ी उड़ा दी। अब एक सोचो बात जी, अगर उसकी नाड़ कटी है तो नाड़ कहां चली गई थी, कट गए, अगर इतनी पावर थी या इतनी शक्ति थी, मेरा उद्देश्य देखो किसी की भावनाओं को भड़काना नहीं, लेकिन एक कड़वा सच बता रहा, अगर वाकई में शक्ति थी और जी वो पार्वती मैया भी गुस्से में आकर सृष्टि पलटने की प्लानिंग चल गई थी, तो वो हत्ती के बच्चे का सिर क्यों मिला। अगर थारी साइकिल का पहिया टूट जा और तुम उसमें बाइक का पहिया ट्रक का पहिया जोड़ लोगों के, साइकिल जब थर है जेल लेगी या चल जाएगी साइकिल, सोचने वाली बात है।